सारे कैसे हो यार। मैं फिर से आ गया हूँ इतने खास टॉपिक के साथ कि वीडियो देख ली ना तो बड़ा मजा आने वाला। टॉपिक को पहले बता दे तो है क्या, ये डिटेल वीडियो ना, आप अगर ये वीडियो देख गए तो कसम से कह रहा हूँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। छोटी जाति क्यों है, इसके कारण क्यों है, ये जाति क्यों है यार, इसको कंट्रोल करना है। तो गाइज वीडियो पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक ही बात कहूँगा, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन है ना ये प्रेस जरूर कर देना, तभी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, वही चीज़ आपको कोचिंग के टच में रखेगी। तो गाइज विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हो सीधा वीडियो पे आते हैं। हाउ टू मिनिमाइज योर शॉर्ट बॉल इन लेग स्पिन बॉलिंग इन एनी टाइम इन एनी वेयर इन एनी कंडीशन, जब भी आप बॉलिंग कर रहे हैं यार बड़ा मस्त है। सबसे पहले पांच चीज़ें बता दूंगा, ये पांच चीज़ें फॉलो कर गए ना मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे, अवेयरनेस इतनी आ जाएगी ना कि काम बन जाएगा। तो फर्स्ट बताता हूँ रिदम, रिदम को समझ लिया काम बन जाएगा। दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन बॉलिंग आर्म, तीसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग, बॉलिंग टाइमिंग जो रिदम को क्रिएट करती है, तो बनेगा कोऑर्डिनेशन और वो चीज़ आपको रिदमिक वाइज रिदम वाइज बड़ा स्मूथ बना देगी और वही चीज़ें आपको एक प्रोफेशनल बॉलर बनाने में हेल्प करेंगे। गाइस सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन बॉलिंग आर्म, कोई भी स्पिनर हो, कोई भी फास्ट बॉलर हो, कोई भी बॉलर हो यार, लेग स्पिनर पे आ जाते हैं, स्पेशल वीडियो लेग स्पिनर के लिए। पहले मैंने ना नॉन बॉलिंग आर्म पे वीडियो बना रखी, बट ये वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है। देखिए नॉन बॉलिंग आर्म ना, ये सबसे बड़ी बात पता है कि मैं आपको देशी लैंग्वेज से लेकर टेक्निकल साइंस बेस सब कुछ दे दूंगा, पूरा निचोड़ दे दूंगा। आपने करना है, देखो नॉन बॉलिंग आर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बॉल डालते हैं ना तो इस पैर के बाद इसका काम चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा नॉन बॉलिंग आपको समझने की बात है, देखिए जब ये पैर डलता है ना और ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है टूवर्ड्स द बैट्समैन अगर ऐसे आ रहा है तो उससे देखिए सबसे पहले बताता हूं प्रॉफिट, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं ना और टेक्निक को समझ रहे हैं और उसके प्रॉफिट पता है, उसके डिसएडवांटेज पता है, तो बंदे को पता है कि काम कैसे करना है और उसका क्या फायदा है। तो काम में ना मजा आ जाता है, जब काम में मजा आता है तो काम इंटरेस्ट से करता है कोई भी प्लेयर, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में। तो देख लीजिए जरा, जब ये नॉन बॉलिंग आर्म है ना, जैसे ही आपका पैर अच्छे बेस पे अलाइनमेंट में अच्छा है तो ऊपर के काम करने में ना बड़ी इजीनेस आ जाती है। नीचे वाली वीडियो में अगली बार बता दूंगा। ये देखिए जब ये हाथ ऐसे आएगा ना, ये देखिए ये जब ये हाथ ऐसे आएगा ना तो होगा क्या, उससे ये नॉन बॉलिंग आर्म है ना, ये इंडिकेटर का काम कर रहा है, ये इसको ऐसे फॉलो करेगा, ये देखिए। और जो एक्सेलरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो रन अप आ रहा है और फिर आप जंप ले रहे हैं, पिवट कर रहे हैं, जैसे किस टाइप के आप बॉलर है, तो वो एनर्जी सामने आती है। जब सामने आती है तो बॉल, जब सामने निकलेगा तो बॉल में भी एनर्जी इंक्लूड हो जाती है, और जब सारी एनर्जी स्ट्रेट चलती है जैसे चलनी चाहिए तो उससे क्या होगा, शॉर्ट बॉल तो खत्म होगी, साथ साथ बॉलिंग के अंदर ना एनर्जी दिखेगी, एनर्जेटिक बॉलर दिखेंगे आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जैसे लेग स्पिनर आप सारे लोग देखते होंगे, कुलदीप यादव या शेन वॉन या कोई भी, सबकी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप जरा नोट करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप देखोगे ना तो मेरी बातें आपको लगेंगी कि हाँ मैं कह क्यों रहा हूँ और कितना हद तक मैं सही कह रहा हूँ। देखिए नॉन बॉलिंग आर्म का ना मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें बता दी है, और अगर आपको ना एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो वीडियो है ना उस टॉपिक पे प्लेलिस्ट में आप देखिए जरा, जब ये पैर ज़्यादा अक्रॉस होता है, ये ज़्यादा ऐसे होता है, तो जो नीचे का फाउंडेशन उथल पुथल टाइप है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो ऊपर की बॉडी सिक्वेंस वाइज काम नहीं करेगी, इट्स कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस। तो इस चीज़ को समझना है, और देखो मेरी वीडियो ना आपको जब भी समझ आएगी, जब आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वन बाय वन सारी वीडियो देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कोचिंग कहाँ से कहाँ है और किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वेस्ट ना करते हुए टाइम को सीधा आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब आती है बात अवेयरनेस की। यार अवेयरनेस तो एक ऐसी चीज है ना, मैं कह रहा हूं जिस खिलाड़ी के पास इस शब्द की समझ है ना, वो बहुत बड़ा प्लेयर होता है यार, बहुत बड़ा प्लेयर होता है। देखिए आप में अगर अवेयरनेस है ना, तो आप थोड़े से कम टेक्निकल भी हैं तो आप एडजस्ट कर जाएंगे, आप अपने माइंड को कोऑर्डिनेट कर देंगे उस तरह से जैसे आप हैं, और वही चीज़ आपके स्किल के लेवल को, आपकी क्वालिटी को बताएगी कि हाँ आप कुछ रखते हैं, कुछ अलग तरह का आप रखते हैं, और वही चीज़ आपको स्पेशल बनाएगी क्रिकेट के अंदर। तो अभी मैं बात करता हूँ लेग स्पिन की। देखिए क्या होता है ना कि अब आप बॉलर जैसे है ना, मुझे नहीं पता आप जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, कोई तेज है, कोई रनअप में स्लो है, कोई थोड़ा जंप के साथ आ रहा है, कोई थोड़ा सा अक्रॉस है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली वो रॉन्ग कहा जाएगा, बट तुमने देखा होगा यार राशिद खान भी ज़्यादा अक्रॉस है, शेन वॉन भी थोड़ा ज़्यादा है टेक्निक के हिसाब से, बट आप उनका देखना लोअर जो लेग्स है ना बड़ी स्ट्रांग है। तो कहीं ना गॉड ने ना हमको मतलब स्ट्रेंथ भी दी है और वीकनेसेस भी दी है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ गए और उसको यूज़ कर गए कैसे करनी है, और आपको समझ है, आप अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अवेयर हैं। और अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना आता है ना, आप उसको इतना अच्छा कर सकते हैं कि जितना और कोई प्लेयर नहीं कर पाता, और फिर आप आगे अलग दिखते हैं किसी भी मैच के अंदर, किसी भी ट्रायल पर। और वही मसला है कि अवेयरनेस में आपको एक सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि जो भी बॉलर है, जो भी बॉलर, उसको पता होना चाहिए कि यार मेरा रनअप कितना तेज़ है,
और मैं फिनिश कितनी तेज़ करता हूँ, मैं थोड़ा क्लासिकल हूँ, मैं थोड़ा फ्लोटरी हूँ, मैं या गुगली ज़्यादा मारता हूँ, तो उस मैं कितनी एनर्जी लगाता हूँ कि मेरी बॉडी बैलेंस करती है, मैं कितना कम एनर्जी लगाता हूँ कि मेरी बॉडी बॉडी की एनर्जी जो बॉल में इन्वॉल्व नहीं होती है, उस टाइमिंग को समझने के लिए अवेयरनेस चाहिए। और जब अवेयरनेस होगी ना, और अपने रिदम पे सोचेंगे कि मेरा रिदम है कैसा, मैं कितनी जान लगाता हूँ तो कितना परचेस मिलता है, कितनी जान लगाता हूँ तो बॉडी अनबैलेंस होता है, स्टेबिलिटी लूज होती है, वो चीज़ अगर समझ गए ना, तो गारंटी से कह रहा हूँ जो मैं बातें समझा रहा हूँ ना, इससे भी ऊपर आके आप अच्छे प्लेयर बन के निखरेंगे। तो गाइस तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। जो ये पांच पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है, ये सेटअप है, ये ऐसा सेटअप है ना कि अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप समझ गए ना, तो आपको कहानी समझ आएगी कि मैं कह क्या रहा हूँ और उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको पता है, अगर देसी भाषा में समझाया जाए कि कोई भी काम को करने के तरीके को एक कंट्रोल के साथ किया जाए और अपने आप से ऐसा काम लिया जाए कि आप अपनी पूरी बॉडी को, चाहे बैटिंग कर रहे हैं, चाहे लेग स्पिन कर रहे हैं, चाहे आप थ्रो कर रहे हैं, उसको सिक्वेंस वाइज उसको एक रिदम में यूज़ कर पाए, उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो आपका पोटेंशियल है, आप उससे पूरा उभर के आएंगे, उभर के परफॉर्मेंस करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। और वो कोऑर्डिनेशन पता है कैसे बनेगा, जो तीन पॉइंट बता दिए हैं वो फॉलो कर लेना है, चौथा पॉइंट बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। इस जो टाइमिंग है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइमिंग के अंदर पता क्या होता है, आमतौर पर मैंने काफ़ी बॉलर देखे, मैं काफ़ी लेग स्पिनर देखता हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर देखता हूँ, वो गलती पता क्या करते हैं, वो एवरी टाइम मैंने देखा कि वो अच्छे बॉलर हैं और उनके हाथ से बॉल अच्छा चल रहा है, तो कभी कभार रनअप में थोड़ा तेज़ हो जाते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, मतलब अर्ली एज में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने जाते हैं, या मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा रेट, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो आप लोग, बट उसमें क्या ध्यान रखना है कि आपने ना अपने एक्शन को सेट करना है। देखिए टाइमिंग पता कब सेट होगी, जब आपका जो रनअप है वो आपको पता है वो एक जैसा है एवरी बॉल पे, और जो आपकी फिनिशिंग टाइमिंग है, कितना लोड आप डाल रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग पता कभी समझेंगे, जब आपका एक्शन एक फिक्स हो जाएगा, जब आपका रनअप एक फिक्स हो जाएगा, उसके बाद बारी आती है टाइमिंग को समझने की। अगर आप टाइमिंग को समझ गए कि किस टाइम पे मुझे कितना जोर लगाना है, हर किसी का डिफरेंट है भाई, मैं सिंपल नहीं कह सकता कि आप मतलब तेज़ आ रहे हैं तो किस हिसाब से टाइमिंग, अपनी अपनी फीलिंग है ये, इसमें कोई मतलब कोई अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि ये मतलब इस तरह से नंबर देंगे तो ये टाइमिंग बनेगी, अपनी अपनी सबकी स्पीड है, कोई तेज़ कर रहा है तो उसको अपनी फील करने की, मैं इतनी टाइमिंग पे अपना जोर लगा रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ, कि मैं अपनी बॉडी से अवेयर हूँ, कि मैं इतना अच्छा फिनिश कर पा रहा हूँ, कि मैं बॉल को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तभी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। और अगर आप हबड़ा दबड़ी कर रहे हैं और आपको अपने बारे में पता नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी सी रिलैक्स रहेंगी। तो गाइस जब आप टाइमिंग अच्छा करते हैं ना, और आप सही टाइम पे सही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसको टाइमिंग कहते हैं, उसको राइट टाइमिंग कहते हैं बॉलिंग के अंदर। अगर ये चारों चीज़ें अच्छी होती है ना, तो पता क्या बनता है, पता है, गेस करो जल्दी, 1 2 3 4 5 गेस करो, नहीं ना, रिदम बनता है, और वही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझ गए ना, देखो रिदम पे हमको डिस्क्राइब नहीं करना, जो चार पॉइंट मैंने डिस्क्राइब कर दिए, अगर ये कंप्लीट कर लिए, ये समझ गए और आपने अच्छे से काम किया, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना कि ये चीज़ें जब भी कमांड कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप भीड़ में ना करो यार, मैं नहीं चाहता, आपको जीनियस बनना है ना, अपनी 6-7 बॉलें खरीदिए, कोई कीपर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं यार अपन को, आप 100 बॉल 200 बॉल मत डालिए, 60-70 बॉल की ड्रिल कीजिए डेली, तो उससे क्या रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, और वही चीज़, और उससे बेनिफिट पता है क्या, उससे माइंड के लेवल पर बेनिफिट मिलेगा, क्यों, क्योंकि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है यार। हम पता है कीपर होगा, आजकल बातें बहुत करते हैं बच्चे, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, प्रैक्टिस का असली मजा पता क्या है, जितने कम होंगे ये सिंगल होंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ लेंगे ना आप, जैसे बड़े बॉलर में क्वालिटी होती है, फिर आप जैसे देखते हैं ना यार, ये शेन वॉन कितनी अच्छी बॉल डाल रहा है, या कुलदीप यादव, आप उनको ही पीछे छोड़ देंगे, और आप में थोड़ा भी पोटेंशियल है, थोड़ा भी दम है, और आप अपने काम से लव करते हो, और आप में जुझारूपन है कि आई कैन डू एवरीथिंग इन एनी वेयर एनी टाइम, तो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। यही मेरे आपके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला है, फॉलो कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मुझे लगता है आपको समझ आएंगे सारी चीज़ें जो मैंने आपको बयां करने की कोशिश की, और वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर देना जिस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतने, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बॉयज़।